छत्तीसगढ़ में 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन को उखाड़कर कांग्रेस की सरकार बनाने वाले, बहुमत की सरकार बनाने वाले और भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, वो हमारे साथ में हैं। उनको उत्तर प्रदेश का ऑब्जर्वर बनाया गया है, हम उनसे बात करते हैं। बहुत स्वागत है जी। नमस्कार, सभी आपके टीवी के दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। छत्तीसगढ़ में बिल्कुल सही आपने कहा, 15 साल की भारतीय जनता पार्टी सरकार थी और हम लोगों ने 2018 में उसे उखाड़ फेंका और 3/4 बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनी है। अभी 90 में से 70 विधायक कांग्रेस के हैं, तो काफी बड़ी जीत मिली। ये जीत किसानों की है, वहां के आदिवासियों की है, वहां के मजदूरों की, महिलाओं की, युवाओं की जीत है, जिसमें राहुल जी के बात पर विश्वास उन्होंने किया। और वहां किसानों के ऋण माफी, 2500 रुपये क्विंटल धान देने की बात है, जो लघु अनुपज है उसके सास के दर पे खरीदी की बात है, हमारे यहाँ तेंदू पत्ता होता है जिसे बीड़ी बनाई जाती है वो 4000 प्रति मानक बोरा के दर से खरीदने की बात है, तो ये सब काम हम लोगों ने जो वादे हम लोग किए थे उसमें से हमने बड़े वादे सब पूरे किए, जिस कारण से जनता में कांग्रेस के प्रति काफी विश्वास बढ़ा है। सर, बहुत कम देखा गया है कि राजनीति में इतने लंबे समय तक एक ही पार्टी में रहते हैं। 1980 में आपने कांग्रेस ज्वाइन किया था, तब से कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ा। हमारे यहाँ आया राम गया राम उस राजनीति को ज्यादा पसंद नहीं करते छत्तीसगढ़ में। बड़े बड़े नेता भी यदि पार्टी छोड़े हैं तो वो फिर सफल नहीं हुए, तो छत्तीसगढ़ में उस प्रकार की राजनीति है कि ज्यादा पसंद नहीं करते जो दूसरे दल अपने दल को छोड़ के दूसरे दल में जाते हैं। और वहाँ शुरू से ही राष्ट्रीय दल को महत्व मिला है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। क्षेत्रीय दल वहाँ बहुत कम, पहली बार क्षेत्रीय दल से अभी विधायक बने, 3-4-5 विधायक बने थे, वो भी गठबंधन के कारण से। बचत क्षेत्रीय दलों को उतना महत्व नहीं मिलता छत्तीसगढ़ में। हाँ, बसपा को वही कभी 1 सीट कभी 2 सीट, और निर्दलीय जीत आ जाते हैं कहीं कांग्रेस के या भाजपा से नाराज हो कैंडिडेट, तो 2-3 सीट है वो निर्दलीय का आ जाता है, उसके अलावा फिर राष्ट्रीय दलों का आता है। कैसे जादू किया आपने, ये कैसे कमाल किया, क्योंकि 15 साल तक लगातार भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा और अचानक से कांग्रेस की बहुमत की सरकार बनाई, क्या जादू था, क्या समीकरण थे उसके पीछे? देखिए, हम लोगों ने जो किया वो जनता के मुद्दे को सामने लेकर लड़ाई लड़ी, हम अपनी बात नहीं बोले, हमने जनता के आवाज को, जो जनता की समस्या उसको आवाज देने, उस स्वर देने का काम हम लोगों ने किया। जैसे किसानों के साथ लगातार ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी करती रही है, कि उन्हें कहा कि हम बोनस देंगे, हम ऋण माफी करेंगे और तमाम प्रकार के वादे करते रहे, लेकिन सरकार बनने के बाद वो सब वादे भूल जाते थे। हम उसके लिए लड़ाई लड़े तो जनता को लगा कि कांग्रेस पार्टी हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी प्रकार से आदिवासियों की बात है, उसी जमीन छीनने की बात है और उनके लघु उपज खरीदने की बात है, युवाओं के लिए लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, तो सारी जो लड़ाई है उन वर्गों के लिए कांग्रेस पार्टी ने लड़ा। और राहुल जी निरंतर छत्तीसगढ़ गए और उन्होंने जो वादे आम जनता से किए थे उसको हम लोगों ने पूरा किया है, तो एक विश्वास कांग्रेस पार्टी ने किया। अंतर दूसरे पार्टी और कांग्रेस में यह किया कि वो लोग अपनी बात कहते हैं, कांग्रेस पार्टी आम जनता की बात करती है। आपने जो तमाम योजनाएं चलाई उसमें एक नरवा गरवा भी योजना थी जो बहुत पॉपुलर हुई जी, क्या? जो हमने नारा दिया था उसमें छत्तीसगढ़ की 4 चिन्हारी, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, तो जो नरवा है वाटर रिचार्जिंग के लिए काम किया, क्योंकि लगातार भूमिगत जल के दोहन से वाटर लेवल लगातार डाउन हो रहे थे, उसको बचाने की बात है। दूसरे जो गरवा है, आजकल गाय के नाम से, गरवा मतलब मवेशी से गाय से है, तो देश में गाय के नाम से राजनीति हो रही है लेकिन उसे सूद कोई नहीं ले रहा है, उसे सुरक्षा के, उसके भोजन पानी के, उसके चारा की व्यवस्था कोई नहीं कर पा रहा है, तो हमने उसको प्राथमिकता पे रखा। और आप देखेंगे हमारे यहाँ 10,000 हमने गौठान की स्वीकृति की, 6,000 गौठान बन गए, 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदने वाला पहला राज्य है। अब पिछले एक साल में 50 लाख क्विंटल हमने गोबर खरीदा, और गोबर खरीदे नहीं बल्कि उसे 12 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट भी हम बनाए, वो प्रोसेस लगातार चल रहा है, और उसमें से 8 लाख क्विंटल
वर्मी कंपोस्ट किसानों के खेत में डाल भी चुके, जिसका रिजल्ट किसान देख भी रहे हैं। तो जहां 2 रुपये में गोबर खरीदे वहीं 10 रुपये में वर्मी कंपोस्ट खरीदे, तो जो लोगों को रोजगार भी मिला उसे वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, और जो जमीन के जो स्तर है उसमें सुधार हो रहा है, लगातार रासायनिक खाद डालने से उसकी उर्वरा शक्ति कम हो गई है, तो उसमें भी अब फायदा होगा। और मवेशी को भाई, मवेशी तब गोबर तब देगा ना जब चारा खिलाओगे, तो लोग अब उसको चारा भी खिला रहे हैं, खुले में घूमना भी कम हो गया है, जो सड़कों पे या फसल नुकसान कर रहे थे उसमें काफी कमी आई है। मैं ये नहीं कहता कि पूरे खत्म हो गया, लेकिन ये है कि उसमें काफी कमी आ गई। सर 2 महीने 2 साल 10 महीने हो गए आपकी सरकार को, करीब करीब 3 साल हो, सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं? देखिए सबसे बड़ी उपलब्धि है जनता का विश्वास, और जनता में कोई नाराजगी नहीं है। अभी जो सर्वे हुआ तो उसमें नाराजगी के स्तर पूरे देश में राज्य सरकारों पे सबसे कम कहीं रहा है तो छत्तीसगढ़ है। तो लोगों को विश्वास सबसे ज्यादा है कि हमने किसान हमसे कोई नाराज नहीं है, आदिवासी हमसे कोई नाराज नहीं है, हमारे व्यापारी नाराज नहीं है, हमारे उद्योगपति नाराज नहीं है, हमारे पास अनुसूचित जाति वो नाराज नहीं है। तो ये हम लोगों ने लगातार जो काम किया है, देखिए हमने छत्तीसगढ़ में लगभग 56 लाख परिवारों के राशन कार्ड बनाए, जिसमें 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चावल दे रहे हैं 35 किलो। दूसरा 39 लाख परिवार है जिसके बिजली बिल आधा दे रहे हैं, 400 यूनिट तक बिजली बिल आधा, और उसमें जो किसान है उसे 5 हॉर्सपावर तक की बिजली बिल है वो 7,500 यूनिट तक के मुफ्त है। हमारे यहाँ जो हाट बाजार क्लिनिक योजना हम संचालित कर रहे हैं, तो उसमें हमारे चूंकि हाट बाजार की परंपरा है तो हाट बाजार में ही ग्रामीण क्षेत्र हमारे ज्यादा है, तो बाजार ग्रामीण क्षेत्र में जो बाजार लगता है वहीं हमारे मेडिकल मोबाइल यूनिट जाती है, जिसमें डॉक्टर से लेकर नर्स सारे स्टाफ रहते हैं, उसमें 40 प्रकार के जांच की व्यवस्था है, और फिर मुफ्त में दवाइयां भी देना है, तो इलाज भी मुफ्त दवाई भी मुफ्त, और ये बड़ा लोकप्रिय हुआ है। और उसी प्रकार से जो शिक्षा में जो हम लोगों ने काम किया है कि अभी स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल हमने शुरू किया है, हमारे यहाँ 146 ब्लॉक है, तो हमने 172 स्कूल खोले हैं, और उसमें इंग्लिश माध्यम से पढ़ाई हो रही है, और पूरे जो सुविधाएं हैं वो प्राइवेट स्कूल से कोई कम नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर सारे अपॉइंटमेंट उस प्रकार से किए गए हैं। तो प्राइवेट स्कूल से वो टीसी लेके गवर्नमेंट के स्कूल में आ रहे हैं, और लगभग एक अच्छी पहल है, क्योंकि ना सरकारी स्कूलों की हालत अच्छी नहीं होती जी, लोग पढ़ाना नहीं चाहते, तो हमने उस प्रकार से व्यवस्था की है कि जो बड़े बड़े स्कूल हैं उससे टीसी लेके गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लिए। तो 172 स्कूल हमने खोला है, हर ब्लॉक में हमने खोला, हर नगर पंचायत नगर पालिका में खोल दिया है, तो ये स्कूल खोलने से काफी बड़ी संख्या में छोड़ के हमारे यहाँ आए, तो शिक्षा की जो व्यवस्था है उसको मजबूत प्रदान किया है। तो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रोजगार के जितने भी लघु अनुपज है उसके वैल्यूएशन करने के बाद उसको रोजगार देने का काम, तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो काम किया है तो उसका काफी अच्छा आनंद मिल रहा है। सर 2018 में चुनाव हुआ, आपने बहुमत की सरकार बनाई 2/3 मेजोरिटी से, लेकिन 3/4 से, लेकिन 2019 में जब चुनाव होता है तो वो आशातीत सफलता नहीं मिलती है, 50% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल जाता है, हालांकि एक सांसद की सीट आपको ज्यादा मिलती है। हाँ, हमारे पहले एक ही सांसद हुआ करते थे, अब 2 सांसद हुए हैं, अब जो पूरे देश में जो हालात रहे उससे कोई अलग छत्तीसगढ़ नहीं हो पाया, थोड़े से सीट हम लोग बढ़ाए और एक सीट बढ़ाया और हमारे वोट परसेंटेज बढ़े, लेकिन 44% तक हमारे बढ़े वोट भी बढ़े, लेकिन एक जो पूरे देश भर में जो 15 लाख रुपया मिलेंगे और थोड़ा सा काला धन वापस आएगा, इस सब जुमलेबाजी में लोग आ गए, और एक बार चाहते थे कि नरेंद्र मोदी जी को दूसरे बार मौका देंगे, और कुछ तो ईवीएम का भी बड़ा असर दिखता है, क्योंकि जहां हम 1952 से जिन बूथों में कभी नहीं हारे थे उन बूथों में भी हारे हैं, तो वो उस पोलिंग बूथ के लोग बोलते हैं संभव हो ही नहीं सकता,
तो ये एक बड़ा मामला बनता है, दिखाई देता है कि जिन बूथों में हम कभी नहीं हारे आज तक के, उस बूथ में भारतीय जनता पार्टी के लोग तो ऐसे निराश थे। छत्तीसगढ़ में कोई नेता नहीं निकला, कोई कार्यकर्ता नहीं निकला, और अचानक वोट एकदम से पड़ जाए तो ये लोगों को आश्चर्य होता है। फिर भी 19 में हम लोगों को सफलता नहीं मिली जो हम लोग चाहते थे। उत्तर प्रदेश में आपको सर पर्यवेक्षक बनाया गया है, वो छत्तीसगढ़ 3 करोड़ का प्रदेश है, 3 करोड़ जनता है वहां पर, यहाँ 8 गुना ज्यादा है, करीब 24 करोड़ की जनता है, तो यहाँ कैसे आपकी क्या रणनीति है? देखिए हमारा देश तो एक ही है जी। और जो मैं लगातार भी 4 बार हो गया यहाँ पे, और जो समस्या देख रहा हूँ तो छत्तीसगढ़ से भिन्न समस्या तो नहीं देख रहा हूँ। यहाँ भी किसानों की समस्या है, यहाँ भी खुले में मवेशी की समस्या है, यहाँ भी बेरोजगारी की समस्या है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार थी, जिन बातों को संघर्ष वहां किए थे वही चीज तो यहां भी देख रहा हूं, वही लोग मांग कर रहे हैं। यहां भी हमारा धान 2500 रुपये होना चाहिए, यहां भी कह रहे हैं कि हमारी बिजली बिल, किसान एक बड़ा मुद्दा है, मुद्दा किसान, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, तो कानून व्यवस्था एक बड़ी चुनौती है। यहां तो कम से कम छत्तीसगढ़ में तो ऐसा नहीं होता भाई, हमारे यहां भी घटना घटती है, घटना नहीं घटती ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, घटना घटती है लेकिन विपक्षी दल लोग जाते हैं। और यहां मुख्यमंत्री के एयरपोर्ट में रोक दिया जाता है, 3 घंटा हम जमीन में बैठे रहे। प्रियंका जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव, उसको डिटेन कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, 4-4 दिन तक उसको जाने नहीं दिया जाता। राहुल जी आते हैं तो उसको रोक लिया जाता है, वो धरने में बैठते हैं। तो यहाँ लोकतंत्र किस प्रकार से है वो देखने की बात है कि लोकतंत्र नाम की कोई चीज यहाँ ही नहीं। आप यदि आंदोलन की घोषणा कर दें आपको घर में नजरबंद कर लिया जाता है। तो ये अंतर हमारे छत्तीसगढ़ यहाँ है। क्या लगता है कि प्रियंका जी ने जो अभी प्रतिज्ञाएं की हैं, 10 प्रतिज्ञाएं की हैं, जिस प्रतिज्ञा की कि बिजली बिल हाफ कर देंगे और बाकी को माफ कर देंगे, वो जादू यहाँ भी चलेगा? बिल्कुल, समस्याएं तो वही है, जनता वही है। पहली बार ये हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी आम जनता के मुद्दों को लेकर उसे चिन्हित किया और उन मुद्दों को एड्रेस कर रहे हैं, और इस कारण से उसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। आज जो ये जो घोषणा की जो चर्चाएं हो रही है, चाहे किसानों के ऋण माफी की बात हो, 2500 रुपया क्विंटल में धान खरीदी की बात हो, गन्ना 400 रुपये में खरीदी की बात हो, गेहूं खरीदी की बात हो, और बिजली बिल, और मैं लड़की हूं तो लड़ सकती हूं, ये सब चीजें वो कनेक्ट कर रहे हैं, और बहुत तेजी से कांग्रेस का ग्राफ बढ़ते जा रहा है। आपको नहीं लगता सर ये जो फ्री बी का मामला है कि अक्सर अब फ्री बी देने की बातें होती हैं, जनता की टैक्स की कमाई है और लोग कहते हैं कि वो सबको फ्री में बांट दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं, आप लोग ये वादे कर रहे हैं? देखिए मुख्य रूप से बात ये है कि देश में जो केंद्र सरकार की गलत नीति के कारण से आज आम आदमी के क्रय शक्ति है बहुत घट गया है। यदि आम आदमी के क्रय शक्ति में कमी आएगी तो व्यापार नहीं चलेगा, व्यापार नहीं चला तो फिर उद्योग के पहिए थम जाएंगे। तो आपको यदि प्रगति करना है तो निश्चित रूप से सीधी बात ही उद्योग के पहिया चले, अब व्यापार खूब फले फूले बढ़े, तो उसके लिए बहुत जरूरी है आम आदमी के क्रय शक्ति में वृद्धि होना। कांग्रेस पार्टी यही काम कर रही। देखिए पूरे देश में मंदी है लेकिन छत्तीसगढ़ में मंदी का कोई असर नहीं है। क्यों? क्योंकि राहुल जी के कहने से हम लोगों ने किसानों की जेब में पैसा डाला, मजदूरों के पैसे जेब में पैसा डाला, आदिवासियों के जेब में पैसा डाला, और इस कारण से पूरा व्यापार फल फूल रहा है, उद्योग वहां चल रहे हैं, जीएसटी कलेक्शन हमारा सबसे बढ़िया है पूरे हिंदुस्तान में, आप देखेंगे टॉप 5 में हमारा स्थान आता है। तो उसका कारण यह है कि हमारी नीति बेहतर है भारतीय जनता पार्टी नीति के अपेक्षा। प्रधानमंत्री जी ने कल लखनऊ वाराणसी से 64,000 करोड़ रुपए का फंड रिलीज किया स्वास्थ्य विभाग के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और 9 मेडिकल कॉलेज की भी घोषणा की। देखिए एक बार निर्मला सीतारमन जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था और हफ्ते भर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, एक भी आदमी बता दे मुझे पूरा यूपी में या देश में कि उसका लाभ उसे मिला हो। तो जो वित्त मंत्री 20 लाख करोड़ का पैकेज पूरे देश को दे और किसी कोई एक आदमी ये कहने को तैयार नहीं कि उस 20 लाख
करोड़ के पैकेज में मुझे एक धेला भी मिला है, तो फिर प्रधानमंत्री जी तो बहुत कम की घोषणा किए हैं, तो उसका असर कितना यूपी में मिलेगा, उसका लाभ मिलेगा, मैं नहीं कह सकता। एक आखिरी सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के पास में विशाल संगठन है, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, आरएसएस भी है उनके साथ में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी, बड़ी फौज है, कैसे मुकाबला करेगी कांग्रेस? देखिए, अब योगी और मोदी का जो जो चमत्कारिक जो व्यक्तित्व था, अब वो ढलान पे है। मोदी को पूरा देश जान चुका है कि जुमलेबाजी कर सकता है, ये ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर सकता, ये कोयले की व्यवस्था नहीं कर सकता, ये रोजगार की व्यवस्था नहीं कर सकता, ये पूरा देश जान चुका है। योगी जी के बारे में ये है कि बहुत बड़े नेता हैं, बड़े दमदारी से बात करते हैं, लेकिन जब कोरोना में लोगों की मौत हुई ना, तो कफन की व्यवस्था नहीं कर पाए। तो कथने और करने में इन दोनों के बहुत अंतर हैं, और योगी और मोदी अब दोनों अब पिटे हुए चेहरे हैं, और आने वाले चुनाव में वो पता भी चल जाएगा। कांग्रेस के पास सबसे बड़ी दिक्कत है कि एक संगठन नहीं है उत्तर प्रदेश में, संगठन को बढ़ाने के लिए क्या? संगठन हमारे लगातार काम कर रहे हैं, 75 जिले में हमारे जिला स्तर के प्रशिक्षण हो गए, विधानसभा स्तर के हो गए, न्याय पंचायत स्तर के हो गए, ब्लॉक पंचायत स्तर के प्रशिक्षण कार्य हमारे निरंतर चल रहे हैं। और देखिएगा, हमारे संगठन के माध्यम से जैसे अभी प्रधानमंत्री की रैली हुई, गए थे अपने निर्वाचन क्षेत्र में, सब कुर्सियां खाली थी, और वहीं प्रियंका जी की जो सभा हुई थी, कुर्सी भरे हुए थे और लोग उतने बाहर खड़े हुए थे, मतलब 30-40 सालों में पहली बार बनारस में इतनी बड़ी रैली कांग्रेस की हुई है, और जबरदस्त सफल रैली हुई है। तो संगठन की बदौलत हुआ, तो जो संगठन के माध्यम से अब काम हो रहा है, तो रिजल्ट अब दिखाई देगा। कौन होगा कांग्रेस का मुख्यमंत्री अगर कांग्रेस के? उसको तो पार्टी तय करती है और विधायक तय करते हैं, लेकिन ये हाईकमान सही निर्णय लेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। आखिरी सवाल है, आप क्या चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के वासियों को के न्यूज के माध्यम से? देखिए, बहुत सारे सवाल हैं उत्तर प्रदेश में, यहाँ किसानों के सवाल हैं, यहाँ मजदूरों के सवाल हैं, यहाँ बेरोजगारों का सवाल है, यहाँ महिलाओं के सवाल हैं, और ये सारे सवालों का उत्तर उत्तर प्रदेश से ही मिलेगा, उत्तर प्रदेश की जनता इस सवालों का जवाब जरूर देगी। क्या उम्मीद कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से? उत्तर प्रदेश की जनता जिस प्रकार से प्रियंका जी आक्रामक रूप से काम कर रही हैं, और बड़ी उम्मीद यहाँ की जनता उम्मीद भरी निगाह से प्रियंका जी एक तरफ देख रही जनता, मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय कांग्रेस का बहुत अच्छा रहेगा। ये भूपेश बघेल जी जो कह रहे हैं कि जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ पर काम कर रही है और जिस तरह से संगठन यहाँ पर काम कर रहा है, 32 साल का सूखा यहाँ पर जरूर इस बार जो सूखा है वो खत्म होगा और खेती इनकी हरी भरी होगी, और कांग्रेस की उम्मीदें परवान चढ़ेंगी, कांग्रेस की जो राजनीतिक जमीन उर्वरा हो गई थी वो फिर से हरी हो जाएगी। कैमरामैन राजेश के साथ प्रदीप विश्वकर्मा, के न्यूज, लखनऊ।